कृपा अपार करुण भगवान से हमको मिलता है। कैसे मिलता है? शांति रूप में आता है हमको, तेरा मन को शांति देता है, सुख देता है, बच्चों के लिए सुख देता है, अड़ोस पड़ोस के लिए हमको सुख देता है। पड़ोसी होता है, पड़ोसी अच्छा है तो हम भी अच्छा रह सकते हैं, है ना। इसलिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, स्नेह भाव हमारा समाज में सभी एक एक साथ में पूजा करना, साथ में त्योहार करना, साथ में मंदिर जाना, वहाँ एक एक शुक्रवार को देवी के देवी भजन सुनना, भजन करना। आप भजन करने वाले हैं, ग्रुप है यहाँ पे, गाने का आदत है, करते हैं? हाँ, अच्छा, इसे भजन करना। बाद में ये देव यज्ञ ईश्वर के पूजा के बाद क्या करना है, मनुष्य यज्ञ एक है। मनुष्य यज्ञ माने क्या बोलते हैं, मनुष्य को हमारा और दूसरा आदमी को अच्छी तरह प्यार से सेवा करना, सहाय करना। ये सहाय माने क्या है, सहाय बोलते हैं हिंदी में भी, सहाय है ना, हेल्प करना। हिंदी इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं, सहाय बोलते हैं। हम सभी सहाय करेंगे तो मन अच्छा लगता है ना, हम भी करना चाहिए। इसलिए स्नेह भाव होना चाहिए, सहाय करना चाहिए, मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गणनांतः गणपति गुंग वामहे, प्रियनांतः प्रियपति गुंग वामहे, वशो मम अहम जानामि गर्वदम। दवा नहीं दे सकते हैं, है ना। चिकित्सक एक एक आदमी को एक एक तरफ व्याधि होती है, बीमारी होती है, वो व्याधि देखना है, क्या है ये व्याधि, ये रोग क्या है, कैसा इसको ये बीमार से बाहर आने के क्या औषधि है, वो देना पड़ता है। इसी तरह हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है, कायिक वाचिक मानसिक साधन दिया है, हर एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होता है ना जाने के लिए, तुरंत ऊपर नहीं जा सकते, एक एक सीढ़ी जाना पड़ता है। सो एक एक सीढ़ी जाने के लिए ऊपर दूसरा सीढ़ी छोड़कर ऊपर सीढ़ी जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। जीवन में भी ऐसे हैं, जीवन में भी हमारा गम्य स्थान पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, मोक्ष प्राप्त करना बोलते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करना है वही है मोक्ष प्राप्ति, है ना, वही है ईश्वर दर्शन भी वही है। भाषा अलग अलग होता है लेकिन सभी को एक ही है, पुरुषार्थ ईश्वर प्राप्ति। ये हमारा संस्कृति का बहुत बहुत अंतरंग बहुत विशिष्टता है, ये समझना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं ना, धर्म माने अच्छा विचार, अच्छा संस्कार से अच्छे काम करो, धर्म से धर्म मार्ग में धनम उपलब्धि होना चाहिए। बाद में धन सभी को चाहिए, अर्थ काम कपड़ा खाना मकान सभी चाहिए, सभी को चाहिए, अर्थ बोलते हैं उसको। काम भोगना, थोड़ा सा सुख भी चाहिए, सिनेमा सीरियल कुछ होता है ना, हमेशा काम नहीं कर सकते, दिमाग बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम मन शांति के लिए थोड़ा सा विनोद कार्यक्रम है रखते हैं, इसको काम बोलते हैं। हमारे संस्कृति में ऐसा रखा है, धर्म अर्थ काम। थोड़ी 6 साल के बाद, थोड़ा उम्र के बाद मोक्ष पुरुषार्थ को भी काम करो, भगवान प्राप्ति के लिए भी काम करो। इसके लिए अच्छा मन के प्रकार वेदों के प्रकार 3 शरीर है, एक शरीर दिखता है, 2 शरीर नहीं दिखता है। ये दिखने वाला ये शरीर स्थूल शरीर बोलते हैं,
मैं देख सकती हूँ आप स्थूल शरीर को, मैं मेरा स्थूल शरीर मुख को आप देख सकते हैं, स्थूल है ना इसलिए देख सकते हैं, आंख देख सकते हैं, लेकिन दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर है, तीसरा शरीर है कारण शरीर है, वो कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर का कारण बनता है, वो सूक्ष्म शरीर में है ना मांस पिंड हृदय है, हार्ट स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करते हैं ना, स्टंट रखते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन करते हैं, वो मांस पिंड बोलते हैं, वो हृदय में मन सूक्ष्म रूप से होता है। ये मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प, स्वामिनी संत साधिनी का हम सुनना है जाना है, ये संकल्प ना गड़बड़ होता है मन में, सुनना है जाना है, सुनने की इच्छा है तो निश्चय करते हैं ना, वो बुद्धि है। अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार चार होते हैं, मैं हूँ ऐसे बोलते हैं ना, हम सभी बोलते हैं ना, मैं हूँ, मैं आया हूँ, मैं बैठा हूँ बोलते हैं ना, वो ही अहंकार बोलते हैं। अहंकार माने घमंड बोलते हैं, वो नहीं, ये अलग अहंकार है। अहम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, हम सभी बोलते हैं, उसको अहंकार बोलते हैं। बाद में हमको तो ज्ञान मिलता है ना, रिमेम्बरेंस माने ज्ञापक, स्मरण, स्मरण भी। आपने प्रश्न पूछा, आप सुनिए ध्यान से, स्मरण होता है ना, वो स्मृति बोलते हैं, वो चित्त में स्मरण आता है, स्मृति आता है, ये सभी अंतरंग बोलते हैं, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण चार मिलकर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। मन एक अंश है, नहीं देख सकते हैं, बुद्धि को नहीं देख सकते हैं, इंद्रिय अंश को नहीं देख सकते, कान देख सकते हैं, कान होता है ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते, वही इंद्रिय बोलते हैं, इंद्रिय को नहीं देख सकते, आँख होता है भाई लोग को नहीं देख पाते, क्यों आँख अंधा है इसलिए नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये गोल